आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी का जून क्वार्टर का हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। आंकड़े ऐसे हैं जो उन लोगों के होश उड़ा देंगे जो बार बार कहते हैं कि सुजलोन एनर्जी से सब लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो FII गायब हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड गायब हो चुके हैं। ये आंकड़े उनको एक तरह से एक नज़र पेश करेंगे। यहाँ पे लगातार जिस तरह से बातें फैलाई जा रही है उसके उलट आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। दूसरी तरफ यहाँ पे दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे ये जो गुड न्यूज़ है ये ऐसी है कि आने वाले समय में वाकई में आप देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी में बड़ी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। इस सेक्टर के जितने शेयर हैं वो सारे मल्टीबैगर बन जाएंगे। यहाँ पे कृषि की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे UK और US दोनों तरफ से एक गुड न्यूज़ है। तो इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सरकार एक जो बिल ला रही है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो आने वाले समय में इस सेक्टर के शेयरों को दौड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमें सुजलोन एनर्जी में निवेश करना चाहिए। लेकिन एक बात फिर भी ध्यान रखें, ये छोटा पेनी स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए। कभी भी पेनी स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, निवेश तो लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, फंडामेंटल वीक होते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक 6.65 पर ओपन हुआ और 6.55 का लो बना, 6.80 का हाई बना। अंत में क्लोजिंग जहाँ शुरुआत हुई वहीं पर हुई, यानी 6.65 पर क्लोजिंग हुई। 0.76% की तेज़ी थी। तो यहाँ पे तेज़ी तो थोड़ी कम रही। इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर जो हर मौके पे निकलना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और हो भी क्यों नहीं। उनको इतना मिसगाइड कर दिया गया, उनको इतना डरा दिया गया कि स्टॉक जल्दी ही ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, ऐसी बातें फैलाई जा रही है। इस वजह से वो लोग डर के बाहर निकल रहे। यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 1,20,00,000 का वॉल्यूम सामने, 46,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.37% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 3,96,00,000 का वॉल्यूम सामने, 1,83,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.13%। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शेयर है जो उठाए जा रहे हैं, काफ़ी लोग अपने शेयर यहाँ पे लूज कर रहे हैं, कम हो रहा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सामने दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग कम हो रही है लगातार। वॉल्यूम को एनालिस कर, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में 5 नंबर पर है सुजलोन का शेयर। अब यहाँ पर हमारे पास सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। जब रिजल्ट आया था Q4 का, उसके बाद में कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया था, लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अब लेटेस्ट जून का भी आ चुका है, उससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पे अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 16.04% थी, मार्च में 15.85% हुई, फिलहाल जून में 14.92% की होल्डिंग है। तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, और इसके लिए ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस भी किया था कि बड़ी डील में माल बेचा गया है प्रमोटर ग्रुप से। काफ़ी छोटे छोटे इन्वेस्टर है जो एक प्रमोटर ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि प्रमोटर में सिर्फ तुलसी तांती नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन वो लोग अपनी होल्डिंग कुछ बेचते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो इससे पहले जो होल्डिंग कम हुई उसके पीछे वजह रही कि सरकारी कंपनियों को इसमें जोड़ा गया, उनको भी होल्डिंग दी गई है प्रमोटर की तरफ से, उसकी वजह से ये आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो थोड़ी सी जो टेंशन है वो ये कि इनके जो गिरवी शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 88.54% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। अब FII की बात करें तो 8.96% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, यानी 8.71% किया था। लेकिन अब जो FII की होल्डिंग लेटेस्ट निकल के आ रही है वो है 9.43% की। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से FII की होल्डिंग बढ़ चुकी है, और पिछले 6 महीने में ये सबसे बड़ी होल्डिंग है इस समय FII की सुजलोन के अंदर। तो ये इशारा है कि स्टॉक वाकई में बहुत आगे जाने वाला है। DI की बात करें तो 10.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 10.38% की होल्डिंग हुई, और जून में फिलहाल 12.37% की होल्डिंग हो गई है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अलावा DI की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे बड़े फंड हाउस को भी भरोसा जाग चुका है सुजलोन के ऊपर। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 0.04 हुई मार्च में, और फिलहाल 0.06% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। अब ये आंकड़ा क्या कह रहा है कि यहाँ पे FII ने होल्डिंग बढ़ाई है, DI ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात जनरल पब्लिक की करें तो 64.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी,
65.06 हुई मार्च में, लेकिन अभी 63.28% की होल्डिंग हो गई है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम हुई है यहाँ पे होल्डिंग जनरल पब्लिक की। यहाँ पे आप एक ये इशारा समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक को मिसगाइड करके उनके पास से शेयर लिए जा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड डीआई और एफआई की होल्डिंग तो बढ़ रही है लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है। और इसी इशारे को आपको समझना चाहिए और यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप ने 1.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। फिर कोटक इक्विटी अल्फा 50 ने 0.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.65% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.05% की होल्डिंग ली। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने दाव लगाए, जबकि पेन स्टॉक में म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करते, इसके बावजूद भी यहाँ पे सुजलोन में काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा निवेश है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यूएस और इंडिया ने मिलकर ग्रीन एनर्जी के सपोर्ट के लिए एक जो कोलैबोरेशन किया है, यानी आप देखें तो ये जो कोलैबोरेशन है ये दोनों के बीच में इंडो यूएस ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन, इसके तहत शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट राउंड की शुरुआत हो चुकी है। और इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्सुलेट जनरल हैदराबाद यूएसए जो है वो, और साथ में सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने मिलकर बातचीत शुरू कर दी है। यानी जल्द ही यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है इंडिया को ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आएगा और प्रचुर संभावना भी निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो कि यूएस ने मदद के हाथ बढ़ा दिए इंडिया की तरफ, आने वाले समय में इस सेक्टर में अब बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना बनने लगी है। तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हो चुकी है, पहले चुना गया आंध्र प्रदेश को, वहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो आप समझ सकते हो रिवॉल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में और इसका फायदा मिलने वाला है सुजलोन को आने वाले समय में। एक और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं और वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे इस दौर में, और इससे पहले भी वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे यूके भी चाहता है कि इंडिया में एक पार्टनरशिप या दोनों के बीच में पार्टनरशिप के तहत ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सपोर्ट किया जाए इंडिया को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे जो ये पार्टनरशिप की गई है ये यूके गवर्नमेंट नीति आयोग के बीच में पार्टनरशिप की गई है और दोनों के एक ही इरादे है कि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है, यानी पूरी तरह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है। और इसके लिए यूके की तरफ से हेल्प दी जाएगी और इसके लिए यहाँ पे उनके कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया में आए हुए। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे यूएस और यूके दोनों तरफ से गुड न्यूज है, आप समझ सकते हो इस सेक्टर में बड़ी तेजी आने वाली है। अब यहाँ पे क्रिशिल की तरफ से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्रिशिल ने जो रिपोर्ट पेश किया उसके हिसाब से ये दूसरा साल होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 जब जो पावर डिमांड है वो 6% अप पे रहेगी, और पिछले दो साल से पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी अप थी। यानी एक पेंडेमिक दौर निकलने के बाद यहाँ पे जिस तरह से कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हुई है, सब प्रोडक्शन शुरू हो चुके हैं, सारी की सारी एक्टिविटी शुरू हुई है, तो इसका फायदा ये है कि पावर डिमांड बढ़ चुकी है, तो इस बार भी 6% बढ़त की संभावना बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि जो पावर की डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी का सहयोग तो चाहिए, तो ऐसे में सेक्टर की प्रचुर संभावना निकल के आ रही है, समय पे इनका पेमेंट भी हो पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है विंड पावर के लिए और ऑलरेडी जो थर्मल पावर प्लांट कंपनियां उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई तो वही करेंगे, उनका बेनिफिट तो उनको ही मिलेगा, रिवेन्यू उनका बढ़ेगा। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। दूसरी तरफ मॉनसून सत्र में सरकार एक बिल पेश करने जा रही है, अगर ये बिल पेश हो जाता है और इसको पास किया जाता है तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये बंधन होगा कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं, उन सबको जो ऊर्जा का इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना होगा। तो आप समझ सकते हो अगर ये इसको एक मैंडेटरी बना दिया जाता है तो फिर आने वाले समय में सोलर पावर या विंड पावर उनके लिए बहुत सारी संभावना के द्वार खुल जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें जो लगातार पॉजिटिव बन रही है, और ऐसे में आपके पास मौका है कि सुजलोन एनर्जी में निवेश करें। मैंने बहुत सारे प्लस पॉइंट आपको ऑलरेडी गिनाए कि क्यों आपको सुजलोन में निवेश करना चाहिए, उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फिर आप आने वाले समय में आपको हाथ मलते रहना पड़ेगा, क्योंकि वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। अब यहाँ पे हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो भी स्टॉक के साथ बनी हुई है, 81% बाय की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 6.48 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.37 तक स्टॉक जा सकता है, नीचे और गया तो 6.18 तक जा सकता है, ऊपर की तरफ मूव करने पे 6.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 6.97 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 7.08 तक भी जा सकता है। तो जल्दी ही यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक एक बड़ा जंप आने के लिए फिलहाल रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे दो कदम पीछे लेने के बाद स्टॉक आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए आप ये समझ रहे हो कि इसमें बड़ी तेजी नहीं बन रही, तो ये एक तरह से आप समझो कि ये
इसकी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी, और जल्दी यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखाई देंगे। यही मौका खरीदारी करें क्योंकि FI बाजार में लौट आए और FI की खरीदारी सुजलोन में हो रही है, तो बिल्कुल आपको भी निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो